सो ऑलरेडी वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। हम आए हैं हस्कबर्ना की वीडियो बनाने के टी एम के शोरूम। यहाँ पर खड़ी हुई हमारे सामने स्वाट पिलियन एंड विट पिलियन दोनों गाड़ियों की कंपेरिजन वीडियो बनानी है। जैसे कि हमने अभी RC 125 और RC 250 की कंपेरिजन वीडियो बनाई थी कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है, किस बाइक में क्या अंतर है, क्यों हमें RC 125 लेनी चाहिए थी, क्यों हमें 200 लेनी चाहिए, इनमें दोनों का हमें डिफरेंस बताया था, अंतर बताया था। वो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, अगर वो देखनी हो तो देख लीजिए। अगर अब बात करेंगे हम स्वाट पिलियन और विट पिलियन की कि क्यों लेनी चाहिए, क्या अंतर है, साउंड कैसा है दोनों बाइकों का और क्या प्राइस में अंतर है, क्या डिफरेंस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे सामने खड़ी विट पिलियन और स्वाट पिलियन दोनों बाइक सेम है, दिखने में सेम है। ये बाइक पॉकेट वॉकेट है, 250 cc का इंजन मिलता है, KTM की बाइक है, ऑब्वियसली पावर बहुत है इनमें, अच्छी बाइक है। इन सबसे इनका इन बाइक का लेने का फ़ायदा ये कि कम जगह में खड़ी हो जाती हैं, अटेंशन क्रिएट करती हैं बाइक, क्योंकि छोटी बाइक है, देखने में छोटी लगती है थोड़ी सी, और अटेंशन क्रिएट करती है काफ़ी, और पावर बहुत है, नेक्ड बाइक भी हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा है इसका, और मतलब आपको डेली बेसिस में बाज़ार में और एंड मार्केट में चलाने के लिए पावरफुल बाइक आपको ये काफ़ी है, और लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब ये इसलिए काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, और 250 cc का इंजन इसमें लिखा है, यहाँ 250 की बैचिंग लगी हुई है, तो 250 cc का इंजन है। अब बात करते हैं अंतर की। तो यहाँ पर खड़ी विट पिलियन, विट पिलियन में आपको ये सिल्वर कलर मिलता है, और ये खड़ी है यहाँ पर स्वाट पिलियन, स्वाट पिलियन में ये आप ब्लैक मैट ब्लैक कलर मिलता है, और इसमें यहाँ पर स्वाट पिलियन में आपको एक यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर एक पैड टाइप का मिल जाएगा, जिस पर आप पूरा सामान रख सकते हैं, आगे जो बैग टांगते हैं तो बैग यहाँ पर आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लुक लगता है। एंड मेन डिफरेंस है ये आपकी स्क्रैम्बलर है, ये आपकी स्क्रैम्बलर है, और ये आपकी कैफे रेसर है, क्योंकि कैफे रेसर है क्योंकि इसका हैंडल बार जो है बहुत नीचा है, ये देख रहे हो, ये हैंडल बार नीचा है, तो आपको एक अट्रैक्टिव लुक मिलेगा, और ये लॉन्ग टूरिंग के लिए ये वाली जो है स्वाट पिलियन अच्छी है, क्योंकि इसका हैंडल बार ऊँचा है, आपका इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं हैंडल बार काफ़ी ऊँचा है, हैंडल बार में काफ़ी अंतर है, ये ऊपर है, और इसकी सीट हाइट भी अच्छी है, लॉन्ग टूरिंग में आराम देती है, इसका पोस्चर अच्छा है, और उसका पोस्चर थोड़ा अट्रैक्टिव है जो कि आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, और ये लॉन्ग टूरिंग के लिए बनी। तो दोनों गाड़ी का पर्पज़ यही है निकालने का कि विट पिलियन का और स्वाट पिलियन का, कि दोनों बाइक ये कैफे रेसर है और ये स्क्रैम्बलर है। अब बात करते हैं गाड़ी के स्पेक्स के बारे में। तो स्पेक्स सेम है, कोई अंतर नहीं है, 250 cc का इंजन इसमें मिलता है विट पिलियन में, 250 cc का इंजन स्वाट पिलियन में मिलता है। टायर सेक्शन सेम है, टायर सेक्शन आपको इसमें टायर आपको 110/75 का मिलता है, वही आपको स्वाट पिलियन में 110/75 मिलता है। पीछे आपको 150 का टायर मिलता है, 150 सेक्शन का टायर मिलता है, इसमें भी आपको 150 सेक्शन टायर मिलता है। बात करें मीटर की, तो यहाँ पर मीटर जो ये मीटर दिया गया है सेम विट पिलियन का मीटर, वही आपको स्वाट पिलियन का मीटर मिलता है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। आपको यहाँ पर मोड्स मिलते हैं, सेट मिलता है, वही आपको उसमें मिलता है, जिस तरीके से ऑन होता है। तो कोई अंतर नहीं है। बात करते हैं टैंक की, तो टैंक 9.5 लीटर का मिलता है विट पिलियन में, 9.5 लीटर का आपको स्वाट पिलियन में मिलता है, तो टैंक में भी कोई अंतर नहीं है। 300 की रेंज आपको इसमें भी मिलती है, 300 की रेंज आपको स्वाट पिलियन में भी मिलती है, तो टैंक के रेंज में भी कोई अंतर नहीं है। बात करते हैं इंजन के बारे में, 248.76 cc का इंजन विट पिलियन में मिलता है, 248.76 cc के इंजन स्वाट पिलियन में मिलता है। 72 mm का बोर विट पिलियन में मिलता है, 72 mm का ही बोर स्वाट पिलियन में मिलता है, 61 mm का स्ट्रोक दोनों में मिलता है, 6 manual गियर बॉक्स मिलता है दोनों में, स्वाट पिलियन और विट पिलियन में, और इसमें 1.5 लीटर का रिजर्व टैंक बचता है, आपकी रिजर्व लग जाएगी उसमें, उसके बाद 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें विट पिलियन और स्वाट पिलियन दोनों में बचेगा। और इनका जो कंपनी क्लेम करती है 30 km/l एवरेज है इन दोनों का, 30 km/l का। एंड सेकेंड थिंग है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 140 km/h की, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, कम ज़्यादा वो अलग बात है, वो आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, बट कंपनी 140 km/l का करती है। हाथों को लाइट आगे से, कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है आपको राउंड फेस में, यहाँ पर आपको LEDs मिलती हैं, रिंग लाइट मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अंदर LEDs मिलती हैं जो कि सेम है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर में भी LEDs मिलते हैं, वही सेम आपको
विट पिलियन में भी बिल्कुल सेम लाइट मिलती है, कोई अंतर नहीं है मतलब। तो दैट्स अ कंपैरिजन। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस में ये बाइक स्वाट पिलियन 211,000 एक्स शोरूम प्राइस है और विट पिलियन का 209,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो प्राइस में भी कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा मोटा छोटे मोटे अंतर हैं। दोनों बाइक काफ़ी अच्छी हैं, मतलब कोई अंतर नहीं। जो अंतर था बस आपको स्क्रैम्बलर है, ये कैफे रेसर है, उसके हैंडल बार में अंतर है, इसके हैंडल बार बस आपको वो लॉन्ग टूरिंग में थोड़ी सी हेल्प करेगी, अच्छे से आप जा सकते हैं। एंड ये कैफे रेसर है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट दोनों बाइक सेम है। तो हेयर वी आर डिफरेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, दोस्तों के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो को थोड़ा बहुत आपके काम आए तो वीडियो को लाइक करो, जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।